सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल, कैसे आप सभी लोग। और गाइस स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आप सभी के लिए एक और नया एपिसोड गाइस आर्क सर्वाइवल बोल का, आर्क सुपर मेगा मॉडेड सीरीज का। और आज के जो आर्क सुपर मेगा मॉडेड सीरीज का एपिसोड है, इसमें हम लोग क्या करने वाले वो मैं आपको बताऊं। उससे पहले जुड़े बंदों के चैनल पे फटाफट वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एक पीटी चल चल के हमारे घर पे आया था, तो उसको भी बैकअप के लिए टेम करके रख दिया है मैंने, ठीक है। बाकी रात हो चुकी है गाइस, यहाँ पे बाहर कोई ड्रैगन भी उंगली कर रहा है, तो बाहर में ज्यादा जाऊंगा नहीं। अभी आपको बताता हूँ कि आज हमारा प्लान क्या है। सो जिनको बताने उनको मैं बता दूं गाइस, हमारा जो है ना गाइस, यहाँ पे हमको यहाँ पे बनाने गाइस टेक क्रॉप प्लॉट्स। लेकिन टेक क्रॉप प्लॉट जो है ना गाइस, वो बनाने के लिए थोड़ी सी स्ट्रगल हम लोग को यहाँ पे करनी पड़ रही है, ठीक है। हम लोग को फर्टिलाइजर वगैरह जो है ना गाइस, वो भी चाहिए होगा, लेकिन वो फर्टिलाइजर वगैरह जो है गाइस, वो हम लोग को अभी फिलहाल के लिए जो है गाइस यहाँ पे मिल नहीं रहा है। सो वो फर्टिलाइजर जो है ना गाइस, वो यहाँ पे हम लोग को मिले, इसके लिए मैं आज जाके सबसे पहले डंग बीटल टेम करूंगा। उसके बाद आगे का क्या काम होगा, प्रोसीजर होगा, वो तो मैं आपको बताने वाला हूँ। रुको, पहले तो मेरे को यहाँ पे ना देखो, ये पॉटी डाल डाल के काम चलाना पड़ रहा है हम लोग को। बताओ कैसे दिन आ गए गाइस हमारे, इन पॉटी से काम चलाना पड़ रहा है मेरे को। जो डायनोस पॉटी दे रहे हैं उसकी मदद से गाइस हम लोग क्रॉप प्लॉट्स को भाई यहाँ पे चला रहे हैं। रुको, मुझे अभी और थोड़े से क्रॉप प्लॉट बनाने पड़ेंगे। ये वाले क्रॉप प्लॉट दो बनाने, ठीक है। नॉट इनफ सीमेंटिंग पेस्ट, ओके ठीक है। वेट अ मिनट, सीमेंटिंग पेस्ट भाई मेरे रैप्टर के अंदर थोड़ा चिटिन पड़ा हुआ है, तो उससे भाई सीमेंटिंग पेस्ट मैं यहाँ पे बना सकता हूँ। ये कैंसिल करो, और ये है तो सीमेंटिंग पेस्ट। व्हाई नॉट इनफ सीमेंटिंग पेस्ट भाई, बर का तो सीमेंटिंग पेस्ट पड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। क्रॉप प्लॉट्स ये वाले बनाने, 1 2, ठीक है। दो क्रॉप प्लॉट बन गए ये। अभी मुझे गाइस यहाँ पे सीड में, ठीक है रुको, क्रिस्टल बनाने, ग्रीन वाले से ये वाला बनेगा बराबर। ग्रीन वाले से कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा ग्रीन आर्ट से, ठीक है। ये क्रिस्टल हमको क्रॉपलॉट्स बनाने के लिए सारे क्रिस्टल की जरूरत पड़ेगी। रुको, क्रिस्टल के सीड बनाओ, पहली बात तो सारे क्रिस्टल के सीड बनाओ, और दो दो सीड बनाएंगे हर एक क्रिस्टल के, ठीक है। ग्रीन वाला कौन सा है, ग्रीन वाला, एक मिनट रुक जाओ, इसके लिए ब्लू वाले क्रिस्टल चाहिए। अरे लेकिन ब्लू वाले की सीड कैसे बनेगी, और मैजिकल क्रिस्टल्स, ग्रीन वाले से कौन सी सीड बनती है, ग्रीन वाला नहीं है क्या, ग्रीन वाले से ये क्रिस्टल बनेगा, और अच्छा इस ब्लू वाले क्रिस्टल से ये वाले सीड, ये ब्लू वाले 100 क्रिस्टल बनाने हैं हमको, 100 बनाने ना, 100 नहीं बन जाएंगे क्योंकि उतने ज़्यादा आई थिंक से अभी तक क्रिस्टल जमा भी नहीं हुए होंगे यहाँ पे। कितने हुए जमा भाई, 100 बनाने के लिए 800 चाहिए होंगे, 111 हुए बस, खाली 111 हुए भाई, ज़्यादा नहीं हुए, ठीक है। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फर्टिलाइजर मतलब पॉटी है ना तुम्हारे अंदर, पॉटी तो है, पॉटी हमारा अपना काम कर रही है। मुझे गाइज हाँ, ये पॉटी लेके जाके डंग बीटल्स को पकड़ना है, ठीक है गाइज, डंग बीटल्स को भाई, और पॉटी पर जितने ज़्यादा डंग बीटल में पकड़ के लेके आऊँगा उतना हमारे लिए सही रहने वाला है, ठीक है। भर के डंग बीटल्स को पकड़ना है मेरे को, यहाँ से गाइज पॉटीज लेके जाने दो। रुको, मेरे को पॉटी आई है क्या, मैं पॉटी करके जो है गाइज वो फर्टिलाइजर निकालने की कोशिश करता हूँ, वरना आई है पॉटी। अरे यार मेरे को बताने कब पॉटी आएगी, ठीक है। चार पॉटीज है ना अपने पास, चार पॉडीज हम लोग को गई जहाँ पे फर्टिलाइजर भाई देने वाले डंग बीटल आज पकड़ने के लिए जाना, ठीक है। इसको खिला के भी फायदा नहीं है, फियो में होता काश यार, यहाँ पे काश फियो में होता भाई, काम बन जाता। फियो में यार टेम करने के लिए गया था मैं पिछले एपिसोड में, मुझे मिला ही नहीं फियो में यार, ठीक है। चलो और ज़्यादा पॉडी नहीं दे रहे, चार पॉडी से मैं देखता हूँ कितने बीटल हम लोग टेम कर पाते हैं, ठीक है। मुझे जाना है गाइस केव पे, और केव के पास किसी ने भाई टीपी लगा के रखा है, वी ऑल टेलीपोर्टर्स, पीवीपी होम प्लांट्स, डीए प्लांट फैक्ट्री पब्लिक, डीए प्लांट फैक्ट्री क्या होता है, ये क्या चीज़ है, इट्स पब्लिक फैक्ट्री है क्या, व्हाट द पब्लिक के लिए लॉक्ड है भाई, है कौन से एंगल से पब्लिक के लिए, ये कौन से एंगल से पब्लिक के लिए, रुको पब्लिक के लिए तो नहीं है भाई, लॉक्ड दिखा रहा है, लॉक्ड है ना, ये लॉक्ड दिख रहे, रुको यहाँ पे काफी सारे भाई वो है,
ग्रीन हाउस रुको, यहाँ पे स्टेट्स बनी है क्या? जब ये फैक्ट्री तो है यहाँ पे, रुको एक तो बोल तो रहे पब्लिक बड़ी लॉक्ड दिख रही है भाई मेरे को, नीचे उतर के देखते हैं। नहीं ये लॉक्ड है भाई, लॉक्ड है भाई, है या कुछ करना पड़ेगा क्या हम लोग को? जिसे ये अगर क्रिस्टल्स मिल गए फ्री में तो मजा आ जाएगा यार। रुको गैजा, ये पब्लिक वाले पे जाने दो, वॉल्केनो क्रिस्टल डियर प्लांट फैक्ट्री पब्लिक सैप फार्म। और कुछ है यहाँ पे पब्लिक? बॉस बॉस फाइट स्काई बॉस, एक मिनट रुक जाओ यहाँ से, अगर ये सारी चीज़ें फ्री में मिल जाते हैं ना तो मज़ा आ जाएगा। यहाँ पे कुछ बाहर भी नहीं निकल सकते ना, नहीं बाहर नहीं निकल सकते। ये फैक्ट्री बोल रहा है पब्लिक तो है बट यहाँ पे है, मुझे नहीं लग रहा कुछ पब्लिक है करके, ये पता नहीं कौन लोग हैं। ठीक है रुको मैं आगे जाके देखता हूँ, एक्सेस नहीं कर पा रहे यार, लॉक्ड है भाई, पागल बनाने के लिए पब्लिक करके रखा है बस खाली। चलो निकलता हूँ यहाँ से, पब्लिक भाई पागल बनाने के लिए भाई वो करके रखा है बस खाली, पब्लिक लिख के रखा क्योंकि लॉक्ड है सारे के सारे, इनको मैं एक्सेस ही नहीं कर पा रहा हूँ। क्रॉपलोड लॉक्ड भाई, क्रॉपलोड लॉक भाई, ठीक है चलो कोई ना, मैं अभी यहाँ से कल्टी मार लेता हूँ रुको। ठीक है यहाँ से हम लोग कल्टी मारते अपने बेस पे चलते, चलो अपने बेस पे चलते फिर, चलो चलते कैसे अपने बेस पे। पीटी को बुलाता हूँ मैं, पीटी को बुलाता हूँ रुको, फिर यहाँ से भाई निकल लेंगे अब। पीटी को बुलाता हूँ, मैं पॉटी कर पा रहा हूँ? अरे यार अभी भी नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है क्रिस्टल जो कैसे बनने दो, इसने पॉटी करी है नहीं करी है, इसने करी है इसने नहीं ना, ठीक है चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके फर्टिलाइजर वगैरह हम बना सकते हैं क्या फ्री में, कुछ ऐसा कुछ सीन है? मैजिक फर्टिलाइजर क्या? हाई नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, इसके लिए बट पॉटी चाहिए भाई। अगर मुझे भाई वो मिल जाता है ना गाइज फ्यूम, या तो हमारा काम बन जाएगा यार, फ्यूम या मिल जाए तो हमारे पास फर्टिलाइजर भी अनलिमिटेड आ जाएंगे यार, लेकिन फ्यूम या ही नहीं है भाई यहाँ पे कहीं पे। रुको गाइज, टेलीपोर्ट ट्राइब, टेलीपोर्ट डायग्नोस्ट योर लोकेशन, मैं बुला लेता हूँ गाइज अपने पीटी को, पीटी ये रहा, चलो अभी चलते हैं गाइज। फ्यूमिया रस्ते में मिलाना तो उसको जरूर से टेम करना है गाइज, फ्यूमिया की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फ्यूमिया मिल गया ना तो भाई भर भर के हम लोग को भाई फर्टिलाइजर मिल जाएगा, और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, हम लोग क्राफ्ट कर सकते हैं डायरेक्टली फर्टिलाइजर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलो मैं वैसे भी अभी जा रहा हूँ गाइज यहाँ पे केव के पास, ठीक है केव के पास जा रहा हूँ डंग बीटल टेम करने के लिए। रस्ते में अगर फ्यूमिया मिला तो ज़रूर से उसको टेम करूँगा। पीटी देखो क्या चमक रहा है, बट इसके लिए लेजेंडरी की बल चाहिए जो अपने पास फिलहाल के लिए। इज दैट डंग बीटल? नहीं यार दूर से तो डंग बीटल की तरह ही लग रहा था। इज दैट डंग बीटल? ओके खतरा नहीं है आजू बाजू। ओके डंग बीटल भाई लास्ट लॉर्ड में मीडियम मीडियम, ठीक है पिकअप। ओके ये क्रायोपॉड है ना, हाँ इसके अंदर भाई को भर लो भर लो, काम पांच चीज, एक डंग बीटल एक मिल गया गाइस हमको, ठीक है एक डंग बीटल जो है गाइस वो मिल चुका है मेरे को, और एक कुछ तो अंडा वंडा भी मिला है। चलो आगे बढ़ते आगे बढ़ते, ऐसे रस्ते में डंग बीटल मिलेंगे लगा नहीं था मेरे को, रस्ते में मिल रहा है भाई डंग बीटल, ऐसे फ्यूमिया मिल जाए भाई, एक ऐसे एक फ्यूमिया मिल जाए मजा आ जाएगा, ऐसे फ्यूमिया मिल जाए संभल के, यहाँ पे बॉस वगैरह हो सकते हैं थोड़ा तो इसलिए संभल के। और डंग बीटल से ग्रिफिन है, जेरबुआ है, इज दैट डंग बीटल वंस अगेन? क्या वो डंग बीटल है गाइस? नहीं डिम्फ्रोडॉन है भाई, ठीक है चलो गाइस आगे बढ़ते आगे बढ़ते। फ्यूमिया मिल गया ना तो काम हो जाएगा, बट वही नहीं मिल रहा हमको, क्या ही कर सकते, सैड लाइफ। इज दैट फ्यूमिया? ओके बट वहाँ पर रैप्टर भी है, रैप्टर की कितनी हेल्थ है? रैप्टर की हेल्थ है भाई 220, ठीक है रैप्टर से बचना है, रैप्टर से बचना। म्यूजिक बज रहे क्योंकि भाई वहाँ पे बॉस है। फ्यूमिया भाई तुमको मैंने 400 साल अब तो ढूंढा है भाई यहाँ पे, जल्दी से डेम हो जा,
तेरे अंदर टेमल भाई म्यूजिक क्यों बजा रहे हो? कॉपीराइट पड़ेगा भाई, कॉपीराइट पड़ेगा। म्यूजिक क्यों बजा रहे हो भाई? हेलो म्यूजिक क्यों बजा रहे हो? कॉपीराइट वाला वो भी वो ट्राई के वापे भाई, ट्राई के वापे, ट्राई के वापे, ट्राई के वापे। जल्दी जल्दी जल्दी, अबे यार शिट भाई, जरूर को तुमको म्यूजिक वॉल्यूम सेव, मास्टर वॉल्यूम पूरा जीरो सेव भाई। म्यूजिक बजा के कॉपीराइट भाई दिला देंगे मेरे को, मस्त वाला मेरे लग जाएंगे फिर। अबे बेरीज इकट्ठा करना भाई, वो बॉस मुंह पे आएगा तब बेरी इकट्ठा करेगा। जल्दी जल्दी भाई, अभी इसको कुछ भी दे दो तब तक भाई, तब तक एटलीस्ट टेप। अच्छा मेजो बेरी मिल गए भाई, ठीक है मेजो बेरी मिल गए भाई, ठीक है। और डिस्ट्रॉइंग वाइल्ड डायनो दिस में कॉज लैग, ऑल राइट ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कर लो भाई डिस्ट्रॉय वाइल्ड डायनो करो, शाइल्ड डायनो करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फियोमा को लेके गए हम लोग को बेस पे जाना है, ठीक है। डंग बीटल भी टेम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फर्टिलाइजर हम लोग को मिल जाएगा भाई फियोमा के थ्रू, ठीक है। फियोमा के थ्रू भाई हम लोग को फर्टिलाइजर मिल जाएगा, बस हम लोग को जो है अभी भाई बेस पे जाना है, ठीक है। काम 25 भाई, डंग बीटल वैसे एक मिल गया है मेरे को, एक मिल गया है डंग बीटल, या और पकड़ के लेके आओ मैं गाइस, क्या बोलते हो? और पकड़ के लेके आओ, गुफा के नज़दीक तो आ ही गया हूँ वैसे मैं। उनके अंदर बस कुछ ऑयल्स डालना होता है, वो भाई फर्टिलाइजर दे देते हैं, नहीं ज़रूरत नहीं है। चलो ठीक है, वी ऑल होम पे, होम पे चलो भाई लोग, लेट्स गो। दोनों आएंगे डायनो मेरे साथ? नहीं आएंगे डायनोज को, मुझे मैन्युअली बुलाना पड़ेगा। टेलीपोर्ट नहीं, टेलीपोर्ट क्लोज क्लोज, ये भाई थोड़ा सा अजीब है भाई। टेलीपोर्ट योर डायनोज टू योर लोकेशन, पहले तो फियोमा को बुलाओ, उसके बाद बुलाओ पीटी को। ओ यस, काम हो गया गाइस हमारा, हमारे पास फियोमा भाई साहब जो है गाइस वो भी आ चुका है, ठीक है। फियोमा भाई साहब जो है गाइस वो भी आ गए, और हम लोग को भाई अभी यहाँ पे डंग बीटल वगैरह जो है वो भी मिल चुका है, ठीक है। अब एक काम करो, अब इसको इतना पॉटी खिलाऊंगा ना, इतना पॉटी खिलाऊंगा भाई रुको, ठीक है, इतना पॉटी खिलाऊंगा ना भाई फियोमा को। फियोमा भाई अनफॉलो, फियोमा भाई अनफॉलो, फियोमा को इतना भाई, फियोमा का पहले सैडल बना लो रुको, फ्यूमे का सैडल बना के उसको भाई लगा देता हूँ इसके भाई फूड बार में पॉइंट डालने मेरे को, जितने हो सके उतने ज़्यादा, ठीक है। अभी कैसे काम करते हैं, अबे हिलना जगह से फ्यूमे आके भाई, ठीक है रुको। अभी मुझे क्रॉपलोड्स बनाने, बराबर क्रॉपलोड्स बनाने, ओके। सो यहाँ पे कुछ चाहिए, बस पॉटी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये क्रॉपलोड बनाने के लिए क्या चाहिए होगा मुझे? ये क्रॉपलोड के लिए सीमेंटिंग बेच चाहिए यार, ये तो भाई हमारे पास है नहीं अभी के लिए। सीमेंटिंग बेस्ड और मेटल अगर ज़्यादा मिल जाता है ना तो एक क्रॉपलोड में बहुत सारे बना सकता हूँ, और एक क्रॉपलोड एक के ऊपर एक अगर हम लोग लगा देते हैं तो उसमें हम लोग काफ़ी ज़्यादा क्रिस्टल भाई वो कर लेंगे, उगा लेंगे। अभी भाई 116 117 ऐसे क्रिस्टल उग रहे हैं भाई, इसमें ज़्यादा क्रिस्टल नहीं उग रहे, 120 हो गए भाई, इसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। वो जो फार्म बनाया था ना उस बंदे ने, ऐसा कुछ फार्म गाइस मुझे बनाना पड़ेगा यहाँ पे, बट उसके लिए मुझे बहुत सारा सीमेंटिंग पेज चाहिए होगा, समझ रहे हो? बहुत सारा सीमेंटिंग पेस्ट चाहिए होगा, या तो एक काम कर लो, या तो एक काम कर लो भाई, नॉर्मल क्रॉपलोड ही बना लो, नॉर्मल क्रॉपलोड बनाओ। एस एस वाले नहीं है क्या? ये वाला ही है, ये नॉर्मल क्रॉपलोड से फास्टर है भाई, ये लिखा हुआ है भाई यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा कन्फ्यूज हूँ मैं क्या करूँ, रुको एक काम करता हूँ मैं, एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे क्रॉपलोड्स बनेंगे, ऑब्सीडन मेटल वगैरह के क्रॉप वो बन सकते हैं क्रॉपलोड। ये बनाने के लिए क्या चाहिए होगा? इसके लिए ये वाला चाहिए होगा, इसके लिए लार्ज क्रॉपलोड चाहिए और ब्लू वाले मैजिक क्रिस्टल चाहिए, ठीक है। रुको आ गए, थोड़ा कन्फ्यूजिंग है बट आप समझ जाओगे, ठीक है। ये हम लोग को बनाने, ये क्रिस्टल हमको बनाने, कितने कितने बनाने भाई हैं? ये क्रिस्टल चाहिए 100 चाहिए होंगे ये वाले क्रिस्टल, तब जाके ब्लू वाली भाई हमारी सीड बन जाएगी, ठीक है। मतलब कि इतने जल्दी जो ना कि कुछ होने नहीं वाला, इतना तो मुझे पता चल चुका है। सारे भी खींचू तो भी 27 बन रहे, मुझे काफ़ी सारे क्रॉपलॉट्स बनाने पड़ेंगे गाइस, आज बहुत सारे क्रॉपलॉट बनाने पड़ेंगे। एक काम करो, डंग बीटल भाई को यहाँ पे डालता हूँ, इसके अंदर पॉटी और स्पॉइल मीट डाल के ऐसे ही छोड़ देता हूँ। डंग बीटल भाई कितने टाइम में भाई फर्टिलाइजर दे रहे भाई देखता हूँ मैं, रुक जाऊँ गाइस। मुझे ना एक फार्म तो बनाना पड़ेगा गाइस, एक भाई क्रॉपलोड के लिए फार्म बनाना पड़ेगा, इतना तो मेरे को पता चल गया, ठीक है भाई। स्पॉइल मीट डालना है इसके अंदर, उसके बाद डालने भाई पॉटीज, पॉटी डालने इसके अंदर, और इसको वॉन्ड्रिंग पर छोड़ देना, बिहेवियर इनेबल वॉन्ड्रिंग, ठीक है। इनेबल वॉन्ड्रिंग, इनेबल वॉन्ड्रिंग, ठीक है भाई जा।
ठीक है, इसको वॉन्डरिंग करने दो, मैं इसके अंदर पॉटीज भाई भर भर के डालने के लिए पॉटी निकालता हूँ फ्यूमिया से। फ्यूमिया भाई भरपूर पॉटी दे देना अभी। चलो इसको भाई व्हाइट वाली बेरीज खिलाएंगे तो ये भाई भर भर के दबा के जो पॉटी है वो यहाँ पे दे ही देगा, इजी पीजी। ठीक है, हम लोगों को इस बड़ा सा फार्म बनाना पड़ेगा ताकि हमारे पास वो सारे क्रिस्टल आ सके, उसके बाद हम लोग टेक क्रॉप लोड जो है वो बना लेंगे। इसमें और कुछ एपिसोड जो है हम लोग को ग्राइंडिंग करनी पड़ सकती है, और कुछ नहीं और बहुत सारे एपिसोड ग्राइंडिंग करनी पड़ सकते हैं हम लोग को इसमें। मैं अभी भाई भर भर के जो यहाँ पे बेरीज है स्टीम बेरी वो अपने फ्यूमिया को खिला रहा हूँ ताकि मेरे को पॉटीज दे सके। ठीक है, ये पॉटी उठाओ 32 पॉटीज, और ये पॉटी में डालूंगा अपने इसके अंदर। फर्टिलाइजर तुरंत नहीं देगा ना, टाइम लगेगा, इसको टाइम तो लगेगा भाई, टाइम तो लगेगा। चलो ऑल राइट, ये खुद से भी पॉटी उठा लेगा, तीन से खुद से भी पॉटी उठा लेगा भाई। ठीक है, खुद से भी पॉटी उठा लेगा, ठीक है डन। कलेक्ट पूप रेंज, अच्छा ये कलेक्ट पूप कर लेगा भाई नीचे गिरते ही, अच्छी बात है। सो अभी मुझे चाहिए गाइज मेटल और सीमेंटिंग पेस्ट। गाइज मैं सीमेंटिंग पेस्ट लेके आता हूँ, गाइज मुझे सीमेंटिंग पेस्ट की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पे सीमेंटिंग पेस्ट उसमें मिल सकता है केव में, ठीक है केव में मिल सकता है सीमेंटिंग पेस्ट स्पाइडर्स वगैरह को मार के, बट केव के अंदर एक मिनट रुक जाओ गाइज, रैप्टर को लेके चलते ना केव के अंदर, रैप्टर भाई मार देगा और सीमेंटिंग पेस्ट के चिटिन वगैरह भरपूर मिल जाएगा हमको। इसके मिली डैमेज में पॉइंट डाल देता हूँ मैं। चलो गाइज सीमेंटिंग पेस्ट का फिर जुगाड़ हो जाएगा इजीली। हाँ गाइज क्या बोलते हो, एक एक वो टेलीपोर्टर बना पाए पहले, वहाँ पे एक टेलीपोर्टर लगा दूंगा मेरे को, वहाँ पे एक ओमेगा वाला टेलीपोर्टर लगा दूंगा मैं, ताकि हम लोग अगर जितने भी चिटिन वगैरह की जरूरत पड़ेगी तो हम वहाँ पे जाएंगे। सीमेंटिंग पेस्ट हर चीज़ के लिए सीमेंटिंग पेस्ट कम पड़ रही है भाई, हर चीज़ के लिए, रुको हर चीज़ के लिए सीमेंटिंग पेस्ट, सीमेंटिंग पेस्ट भाई यहाँ पे नहीं है क्या सीमेंटिंग पेस्ट? 76 है भाई पड़ा हुआ, एक टेलीपोर्टर बनाता हूँ वहाँ पे लगा दूंगा केव के पास। ठीक है गाइज, चलो यहाँ पे भाई हील भाई हील 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 चाहिए होगी, थोड़ी थोड़ी हील चाहिए होगी, थोड़ी सी हील चाहिए होगी। हील बनाएंगे हम लोग, हील किस में बनी थी गाइज? इसके अंदर ना, इसके अंदर अल्फा वाली हील बनी थी। मेडिकल ब्रू चाहिए होंगे, मेडिकल ब्रू के लिए हमको क्या चाहिए होगा? टिंटो बेरी और क्या चाहिए भाई? टिंटो बेरी और कंज्यूमेबल में टिंटो बेरी और नारकोटिक, टिंटो बेरी लो नारकोटिक लो। गाइज थोड़ी सी हिल चाहिए होगी मेरे को, ठीक है हिल लेके जाता हूँ, क्योंकि गुफा में क्या होगा मेरे को पता नहीं है। इसके लिए रुकना गाइज, मैं जो वाटर स्किन है यहाँ पे भर देता हूँ ताकि इसके अंदर पानी जा सके। वो बड़ा वाला गाइज हम लोग को बना सकते हैं जिसमें ऑटोमेटिकली बनेगी हिल, बड़ो बाद में बनाएंगे मेरे को, हिल बना फिर बनने दो गाइज, ठीक है हिल बनने दो। लगभग 10-12 हिल लेके चलेंगे हम लोग भाई, इतनी ज़्यादा वाटर स्किन नहीं बनानी है इसके अंदर, ज़्यादा वाटर स्किन अच्छा आ सकते हैं बहुत सारे वाटर स्किन ना। ठीक है कितने वाटर स्किन है? इतने आ जाएगी ना आई थिंक से, बस इतनी इतनी बस है। चलो भाई इसको हील बनाने दो, मैं इसके अंदर पानी भर के इसके अंदर डाल देता हूँ, ठीक है ताकि भर भर के हील जो है मैं एक साथ यहीं पर बना सकूँ। इतने वाटर स्किन उसमें जाएगी कि नहीं मेरे को पता नहीं है, मैंने बना तो लिया अभी, देखते चलो। ठीक है वाटर स्किन डालते हैं इसके अंदर, ठीक है वाटर स्किन जाएगी सर इसके अंदर। अरे यार इसमें वाटर स्किन ज़्यादा जाती ही नहीं, फालतू में बना ली मैंने, ज़्यादा वाटर स्किन जाएगी ही नहीं। रुको भाई वाटर भाई वाटर स्किन भाई वाटर स्किन फेंकने दो, ज़्यादा वाटर स्किन जाएगी नहीं भाई, फालतू में बना ली। यहाँ से रुको इसको पिकअप करके इधर फेंक लेता वाटर स्किन को। ठीक है हील बनने दो गाइस, 10 हील तो लगभग लेके जाएंगे हम लोग, क्या ना वहाँ पे भाई पता चला मेरे रैप्टर के ऊपर हमला वगैरह हो गया भाई खतरनाक डायनो का, तो दिक्कत हो जाएगी इसलिए। और एक दो वाटर स्किन मैं भी लेके चलता हूँ, क्या ना प्यास वगैरह लग गई तो पानी पीने के लिए भाई वहाँ पे। ठीक है ये वाटर स्किन जो है वो निकालता हूँ मैं, 5 हील इनफ रहेगी मेरे हिसाब से, 5 हील इनफ रहेगी। ये हील भाई काफ़ी ज़्यादा स्लोली स्लोली एक तो बन रही है यहाँ पे, ठीक है चलो 5 हील भाई इनफ रहेगी। यहाँ पे डाल देता हूँ मैं वाटर स्किन, ये चली गई गाइस वाटर स्किन बराबर कंज्यूमेबल्स, चीज़ कम पड़ रही है क्या? टिंटो बेरी ये लो खुश, टिंटो बेरी भर भर के बने मिलेगी भाई, 2000 टिंटो बेरी खींच लिया मैंने, 7 और वाटर स्किन बन रही है। ठीक है चलो 4 हीलिंग क्वेश्चन लेके चलते गए हम लोग, ज़्यादा नहीं 4, ए दरवाज़ा बंद रखना है भाई,
बोल रहा हूँ डंग बीटल भाई भाग जाएगा यहाँ से, ठीक है। चार हीलिंग पोशन लेके चलते हैं और गुफा के अंदर से भर भर के चिटिन लेके आते हैं गाइस, ठीक है। नीचे हीलिंग पोशन नीचे बनेगा, चार हीलिंग पोशन लेके चलते हैं। हीलिंग पोशन भी बहुत ज़्यादा बनेंगे हम लोग, वो इंडस्ट्रियल वाला बनाएंगे तब। भाई तू वॉन्डरिंग क्यों नहीं कर रहा भाई, वॉन्डरिंग क्यों नहीं कर रहा भाई, वॉन्डरिंग करना भाई, जाना घूम फिर मजे कर भाई, क्या कर रहा है तू, एक ही जगह पे खड़ा है भाई। ठीक है अभी यहाँ पे बनाने मुझे हील, ठीक है गाइस हम लोग यहाँ पे बनाते हैं हील। ओके हील बन गई है, एक ही बन रही, क्यों एक ही क्यों बन रही है भाई, और बनाओ, किस चीज़ की कमी पड़ रही है। चार हील बन रही है गाइस टोटल, तो ये चार हील लेके मैं भर भर के चिटिन फार्म करने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि चिटिन के हम लोग को जो है ना गाइस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत फिलहाल के लिए तो गाइस यहाँ पे पड़ रही है। पाँच हील बन रही है, चील बन रही है, चील भाई चील, अच्छी बात है, अच्छी बात है गाइस, अच्छी बात है। रैप्टर को मैं वहाँ पे बुलाऊंगा, उसके बाद गुफा के अंदर छे भी नहीं भाई। ओ अच्छा इसमें हील ज़्यादा बनती है ना, मैं भूल गया था भाई, इसमें एक का डबल बनती है हील, ठीक है। आठ हील बन गई है भाई हमारी। चलो अभी गाइस हम लोग चलते गए उस गुफा के पास, लास्ट लोकेशन आई थिंक से गुफा का ही होगा, गुफा के नज़दीक वाला लास्ट लोकेशन होगा। सो बेटर रहेगा कि मैं अपने लास्ट लोकेशन पर चला जाऊँ। लास्ट लोकेशन है नहीं है ना, नहीं है तो उड़ उड़ के ही जाना पड़ेगा मतलब। चलो उड़ उड़ के ही चलते, कोई बात नहीं है भाई, उड़ जा भाई, हाँ उड़ उड़ के ही चलते गए, चलो लेट्स गो, उड़ उड़ के चलते भर भर के चिटिन जो है जो फार्म करके लेके आते हैं। A few moments later. चलो गाइस अपना गेम भाई यहाँ पे आते आते जो है गाइस क्रैश हो गया था भाई, लेकिन मैं बच गया हूँ, पीटी को मेरे पास बुलाता हूँ एंड हम लोग गुफा के जो है ना गाइस काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ ही गए भाई वैसे भी, ठीक है गुफा के नज़दीक आ चुके हैं भाई। ये क्या है, ये क्या हो गया, इसके अंदर फ्लैश की आत्मा आ गई क्या, ये इतना तेज़ी से क्यों दौड़ रहा भाई। अबे ये क्या हो गया इसको, बस करो हैं, ये क्या हुआ, मैं क्यों बेहोश हो गया। अबे भाई हेलो, ये क्या सीन है भाई, ये क्या सीन है, मैं बेहोश पड़ा हुआ हूँ, ये कैसे हो गया भाई, रुको रिजॉइन करने दो, अलग ही सीन है भाई, ये तो अलग ही सीन हो गया अपने साथ, रिजॉइन कर लेता हूँ रुको। यार ये कौन सा ग्लिच हो रहा है पता नहीं भाई, रुको मैं रिजॉइन करता हूँ, मैं उड़ जाऊँ भाई, वहाँ पे जाके गिर के बेहोश हो गया मैं, कोई ग्लिच वगैरह हुआ था क्या, या फिर भाई तारपुर तो नहीं चढ़ा मेरे को, मैं इसी वहाँ पे बेहोश पड़ा हुआ हूँ पता नहीं क्यों भाई। ठीक है रुको देखते हैं, शायद से रिजॉइन करे तो उड़ जाऊँ भाई मैं बेहोशी की हालत में जो हूँ। हाँ भाई उड़ गया मैं वापस। अरे क्या है ग्लिच भाई, ये क्या है ग्लिच, समझ नहीं आता भाई। ठीक है पीटी को यहाँ पे रखते हैं, हम लोग जाने वाले भी भाई गुफा के अंदर लावा बॉय को लेकर, ठीक है गाइज अपना लावा बॉय जो है उसकी मदद से अभी हम लोग को जाना है गुफा के अंदर। टॉर्च है, टॉर्च है भाई, टॉर्च है, टॉर्च लियो भाई हाथ में, हीलिंग पोशन डालो भाई, हीलिंग पोशन डालो आधे भाई के इन्वेंट्री में और आधे हीलिंग पोशन मेरे पास, ठीक है चलो आ जाओ, चलो आ जाओ भाई, चलो आ जाओ भाई। स्पाई ग्लास ओपन रखना है, स्पाई ग्लास ओपन रखनी है भाई, हाँ ताकि पता चले कौन से कोने में कौन छुपा होगा, सरप्राइज अटैक ना हो हमारे ऊपर इसके लिए। और चिटिन भर भर के लेके जाना है अभी हमको यहाँ से, कचरे की तरह भाई चिटिन लेके जाऊंगा अभी मैं यहाँ से, रुको भाई सारे स्पाइडर्स बीडर्स को मार के भर भर के चिटिन लेके जाऊंगा। आराम से चलना भाई, आराम से, पूरी गुफा खा लिया, एक बिड़ा इन्होंने गुफा में, तो संभल के पूरी गुफा ही खा ली है भाई, पूरी गुफा ही खा ली है, ये क्या बदतमीजी है भाई। हाँ मिल गया एक, मिल गया एक, मिल गया मेरे को एक डायनो मिल गया, 300 चिटिन भाई। यहाँ के भाई सारे डायनोस कहाँ चले गए हैं, हेल्थ देख भाई, लेजेंडरी आ रहा है ना, 26,000 हेल्थ है, 26,000 हेल्थ नहीं 2,00,000 हेल्थ है भाई, 26,000 होते तो ठीक था, औकात के बाहर भाई वो डायनो उससे भाई थोड़ा दूर चलते हैं भाई, 2,00,000 हेल्थ है भाई, उसको मारना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा,
मेरे रैप्टर के कितने हेल्थ हैं? मेरे रैप्टर के 4 लाख हेल्थ है यार। वैसे मार देता तो मजा आ जाता वैसे गाइस, क्या बोलते हो भाई? कहाँ पे स्पाइडर वगैरह? मैं खास करके स्पाइडर्स के लिए आया हूँ यहाँ पे। यहाँ पे तो भर भर के होते हैं। आज जब मैं मारने के लिए आया हूँ तो कोई भी नहीं। अभी जस्ट थोड़े टाइम पहले डिस्ट्रॉय वाइल्ड डायनो भाई, उसके रीजन से क्या? इसी की तो तलाश थी, इसी की तलाश थी। कहाँ को इतना ज़्यादा? अब 1600 मिल गया, काफ़ी बड़े। इसको भी मारो, इसको भी मारो, इससे भी थोड़ा चिटिन मिलेगा। इसको भी मारूंगा, सबको मारेगा गाइस तेरा भाई, सबको मारेगा भाई, जो भी दिखेगा उन सबको मारेंगे हम लोग, ठीक है? हम लोग को चाहिए भाई काफ़ी सारा चीटिन गाइस यहाँ पे, ताकि हम सीमेंटिंग पेस्ट बना सके। ओके ऑलरेडी यहाँ पे, ओके नाइस, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पे स्पाइडर्स वगैरह काफ़ी सारे हैं, काफ़ी सारे स्पाइडर्स हैं, अर्थो पोडियो भी है। संभल के, संभल के थोड़ा, क्या हुआ ये, क्या हुआ पानी, क्या हुआ? फिर संभल के थोड़ा हमला कर रहा हूँ मैं रैंडमली, पैड और मेरी हेल्थ तो नहीं डाउन हो रही है ना। सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। चिटिन वगैरह तो मिल गया ना थोड़ा, तो ये क्या पेटी है भाई, जरा लूट के देख लूँ। इसके अंदर कोई गन वगैरह मिल रही है, पता नहीं कौन सी गन है। ये क्या मिला हाथ में है? ओबे भाई ये गन देखो, स्पाइडर गन भाई, ये अपने बम से वो छोड़ रहा है। अबे ऐसा भी होता है क्या? ये खतरनाक है भाई, ये खतरनाक है गन। और इसमें क्या है फिर? और इसमें कुछ भी नहीं है, एक स्पाइडर गन मिली है जिप्सी भाई। ठीक है चलो आगे बढ़ते, आगे बढ़ते। और डंग बीटल चाहिए होंगे मुझे यहाँ पे, डंग बीटल नहीं सॉरी, और स्पाइडर चाहिए। पता नहीं कितना चीटिन मेरे पास आ चुका है, मुझे और चीटिन चाहिए। पानी में नहीं कूदना यहाँ पे, यहाँ पे पानी है, यहाँ पे नहीं कूदना, रिटर्न जाता हूँ। चीटिन कितना मिल गया? 5000 चीटिन से क्या ही होने वाला है? मुझे भर भर के सीमेंटिंग पेज चाहिए यार, 5000 चीटिन से तो कुछ भी नहीं होने वाला भाई यहाँ पे, मुश्किल ही होगा भाई काफ़ी ज़्यादा। तो को देखता हूँ मैं फिर भी रिटर्न जाते हुए कुछ मिलता है कि नहीं। गाइस एक काम करते भाई, यहाँ से चीटिन तो मिल गया है और मैं काफ़ी ज़्यादा नज़दीक भी हूँ अपने उसके, जहाँ पे अपने क्या मिलते हैं, क्या मिलते हैं यार वहाँ पे, बीवर डैम्स, बीवर डैम्स के लोकेशन के भी नज़दीक हूँ। तो मैं जगह बीवर डैम भाई थोड़ा देख के आ जाता हूँ, ऐसे सोच रहा हूँ। ठीक है निकल लेता हूँ, चलो यहाँ से, यहाँ से निकल लेता हूँ। 5000 चिटिन तो मिल गया, और की उम्मीद थी बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चलो इतने से काम बन जाएगा हमारा। लगभग 1000 सीमेंटिंग पेज जो है जो इजीली बन जाएगा अपना। अभी गाइस मुझे बस यहाँ से बाहर निकलना है जल्दी से जल्दी, ग्राइंडिंग कुछ ज़्यादा ही चल रही है भाई अपनी। यहाँ से बाहर निकल जाओ जल्दी, बस कितनी बड़ी गुफा है भाई, बाहर निकलने में 4 दिन लग गए मेरे को। ठीक है ये रैप्टर को मैं वापस बुलाऊंगा अपने पास, ठीक है। यहाँ पे टेलीपोर्टर लगा दूँ गाइस, क्या बोलते हो? यहाँ पे टेलीपोर्टर लगा दूँ, अगर फ्यूचर में चिटिन वगैरह चाहिए तो काम आ जाएगा ना। रुको गाइस, कांट प्लेस, ओके यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है यहाँ पे लगा देता हूँ। नाम दे देंगे भाई केव, इसको नाम देंगे भाई केव, ठीक है गाइस। चलो सो अगर हम लोग को अभी यहाँ पे चिटिन्स वगैरह की ज़रूरत है तो हम आ सकते हैं भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी गाइस जा रहा हूँ मैं सीमेंटिंग बेस ढूंढने के लिए, जो कि मिलने वाले मुझे हैं इस तरफ। यस ये रहा, यहाँ पे गाइस बीवर डैम्स होंगे, इसमें अगर बहुत सारी सीमेंटिंग बेस हमको मिल जाते हैं तो मज़े आ जाएंगे, ठीक है। ओ नाइस बीवर डैम दिख गया मेरे को, बीवर डैम तो दिख गया, बीवर डैम तो दिख गया। कितना सीमेंटिंग बेस्ट है यार, 150 सीमेंटिंग बेस्ट से क्या ही होने वाला है मेरा यार, 150 सीमेंटिंग बेस्ट मिल रहे इसमें तो, इतने से क्या ही होगा भाई 150 सीमेंटिंग बेस्ट से यार। इतना तो मैं खुद बना लूँ यार बेस पे, हट यार
नहीं गाइस ज्यादा जो नहीं गाइस यहां पे सीमेंटिंग बेस नहीं मिलने वाले हम लोग को भाई। बंदे ने शील्ड वगैरह भी बना रखी है भाई, देख रहे हो ये काफी ज्यादा आगे पहुंच गया बंदा भाई। ठीक है मैं एक काम करता हूँ, मैं घर पे चलता हूँ गाइस, ठीक है हम लोग घर पे चलते हैं गाइस, चलो आ जाओ। कोई फायदा नहीं, चीटिंस मिल चुके हैं हम लोग को, उससे मैं सीमेंटिंग बेस काफी ज्यादा बनाने के लिए डाल देता हूँ। ठीक है हमको काफी सारी चीजें करनी है अभी। टेलीपोर्ट योर डायनोस्ट योर लोकेशन, हमारा लावा भाई को बुला लो। लावा भाई चीटिन दे दे भाई, कितना है 5000 चीटिन है भाई के पास। हीलिंग पोशन, स्कॉर्पियन वाला भी गाइस एक गन मिली है क्या, स्कॉर्पियन स्टिंगर, क्या चीज है स्कॉर्पियन स्टिंगर, स्कॉर्पियन स्टिंगर ट्रॉफी है कोई तो। वो ये गन भाई टूट जाती है तुरंत ही, ये देखना मैं आपको गन दिखाता हूँ, वो वेब छोड़ने वाली लेकिन ये तुरंत ही टूट जाएगी। ये देखो ये रही वो गन, हाथ में अपने स्पाइडर आ जाता है और इससे हम लोग वेब छोड़ सकते हैं स्पाइडरमैन की तरह, लाइक दिस। बड़े टूट गई भाई, ठीक है टूट जाती है भाई तुरंत ही, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक काम करते हैं, डंग बीटल भाई कहाँ गए, वो डंग बीटल भाई यहाँ पे चढ़ चुका है, इसने फर्टिलाइजर थोड़ा सा बना लिया है, फर्टिलाइजर बनाना शुरू कर दिया जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। और इसके अंदर ये वाले क्रिस्टल नहीं बनाने मुझे, रुको ठीक है पहले तो ये सीड बनाने मुझे, ये वाले क्रिस्टल नहीं बनाने, पहले ये वाली सीड बनानी है, ठीक है ये वाली सीड बनानी है ब्लू वाले क्रिस्टल की, ब्लू वाले क्रिस्टल की सीड बनानी है, 100 क्रिस्टल बनाने मुझे। कितने बन रहे हो भाई, बहुत ज़्यादा ही टाइम लगने वाला है, बहुत ज़्यादा सच में भाई, इसमें ग्राइंडिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, मजाक नहीं कर रहा मैं। ठीक है रुको अभी कैसे काम कर लेता मुझे, एक मिनट रुक जाओ, वो दूसरा वाला क्रिस्टल क्या है, ये वाला क्या चीज़ है, क्रिस्टल सीड टायर 4, प्लांट द क्रॉप प्लॉट एंड प्रोड्यूस क्रिस्टल, ओके टायर 4 वाला, पता नहीं ये क्या चीज़ है, छोड़ो चलो। ओके सो मुझे अभी कैसे यहाँ पे सीमेंटिंग बेस बनाने के लिए डाल देना, ठीक है मैं यहाँ पे भाई जो लेके आया होगा चिटिन उसको स्प्लिट कर देता हूँ, एंड भाई भर भर के सीमेंटिंग बेस बनाने के लिए डालता हूँ भाई, हज़ार हज़ार बन जाए तो मज़ा आ जाएगा। रुको 500-600 बन रहा है यहाँ पे, ठीक है चलो भाई 600-600 बन रहा है, ठीक है अभी फिलहाल के लिए तो इतना भी ठीक ही है। स्टोन डालना पड़ेगा यहाँ पे रुको भाई, 1000 बनाने के लिए स्टोन खींचो, स्टोन की कमी नहीं अपने पास भाई, स्टोन की कमी नहीं भाई, स्टोन की कमी नहीं है, ठीक है चलो 300 बन रहा है, चीटिन की कमी पड़ रही है, यहाँ पे और चीटिन डाल देता हूँ, एंड 1000 बना लो भाई, 1000 नहीं बनेगा 600 बन रहा है सीमेंटिंग पेस्ट, चलो थोड़ा सीमेंटिंग पेस्ट तो बन रहा है एटलीस्ट। अभी इलेक्ट्रॉनिक बनाने गए मुझे, ठीक है इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने जो बनेंगे गए अपने इसके अंदर, ठीक है इलेक्ट्रॉनिक बनाओ भाई, मेटल आ चुका है मुझे पता है भाई, 1000 तो इलेक्ट्रॉनिक बन जाने चाहिए। सिलिका पल, सिलिका पल नहीं है, कितनी सिलिका पल है अपने पास, यहाँ पे डाली हुई इतनी सिलिका पल है, इससे 192 ही बन रहा है बस खाली। चलो बनने तो इतना इलेक्ट्रॉनिक भी हम लोग को, अगर ये सीड फार्म बनाना तो उसके लिए जो है सीड क्या बोलते हैं इसको क्रॉप प्लॉट बनाना तो इलेक्ट्रॉनिक चाहिए होगा, मुझे कोई डायनो भी नहीं मिलाना गाइस स्टेक वाला जिसको मार के इलेक्ट्रॉनिक मिल सके, क्या ही बोल सकते हैं। चलो गाइस तो अभी भाई वो इलेक्ट्रॉनिक बनने दो, सीमेंटिंग पेस्ट बनने दो, उसके बाद में ये क्रॉप प्लॉट भाई एक मिनट रुक जाओ इसके अंदर डालो भाई, ये क्रॉप प्लॉट यहाँ पे लगाओ भाई, ये क्रॉप प्लॉट जो है तो यहाँ पे लगेंगे, ठीक है गाइस एक और क्रॉप प्लॉट भाई, अच्छा दो लग गए एक के ऊपर एक भाई, दो नहीं लगाने एक ही लगाना, ठीक है ये क्रॉप लोड यहाँ पे लगेंगे, इसके अंदर मैं डाल देता हूँ पॉटी और ग्रीन वाले क्रिस्टल हम लोग को काफ़ी ज़्यादा चाहिए, सो ग्रीन वाले क्रिस्टल उगाने वाले भाई सीड्स डाल देते, ठीक है गाइस चलो गाइस एक एक करके भाई हम लोग वो करेंगे, पहले तो ग्रीन वाले क्रिस्टल उगाएंगे उसके बाद दूसरे वाले क्रिस्टल, ऐसा काम करेंगे हम लोग, ठीक है ये बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। रुको ठीक है रुको क्यों मैं भाई थोड़ी पॉटी शोटी दे दो, थोड़ी और पॉटी शोटी दे दो, ज़रूरत है भाई पॉटी की ताकि वहाँ पे क्रॉप लोड जो है गाइस वो चालू हो सके। मैं और क्रॉप लोड बनाता हूँ और भाई ग्रीन वाली सीड बनाता हूँ, रुको पहले ग्रीन वाले क्रिस्टल बहुत सारे उगाते हैं उसके बाद मैं आगे के एक 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 स्टेप बाय स्टेप क्रिस्टल उगाते जाएंगे हम लोग, ठीक है और क्रॉप लोड जो है गाइस वो भी बनाते जाएंगे। 17 गाइस इसने पॉटी डाल दी है, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, और कोई यहाँ पर ग्रीन वाले क्रिस्टल जो है गाइस उगने दो। अगर मैं एक चीज़ करूँ समझ लो, मैं यहाँ से ये हटा दूँ, ठीक है ये हटा दो और इसमें बाद में थोड़े टाइम में वापस से भाई डाल दो तो 100-100 मिल जाएगा क्या मुझे। ए रेन तो भाई छोड़ो उतना तुड़क जाम नहीं करता,
भाई ये ले, ठीक है इसके अंदर भाई। अच्छा मुझे, अच्छा इसमें सीड मिल रहे हैं ना हम लोग को, ठीक है सीड देता हूँ मैं अभी और बनाता हूँ क्रॉप प्लॉट्स भाई, ठीक है क्रॉप प्लॉट्स और कितने बनेंगे, दो दो मेरे को सीड मिल चुके हैं तो दो क्रॉप प्लॉट बनाओ। इलेक्ट्रॉनिक नहीं है ना भाई, इलेक्ट्रॉनिक बनाने के लिए डाल दिए भाई मैंने, इलेक्ट्रॉनिक बनाने के लिए डाल दिए लो, मुझे लगाया था इलेक्ट्रॉनिक की कमी पड़ेगी। क्रॉप प्लॉट इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है और चार और क्रॉप प्लॉट, कितना और बनेगा भाई क्रॉप प्लॉट, ठीक है और आखिरी वाला एक भाई, ठीक है आखिरी वाला है क्रॉप प्लॉट, डन। नाउ ग्रीन वाली सीड दो मुझे, क्रॉप प्लॉट छः सीड चाहिए होगी मुझे क्रिस्टल की, चार और ये वाली मुझे चाहिए होगी चार और सीड। चलो पहले कैसे ग्रीन वाली जो कि सीड्स हैं वो डाल के ग्रीन वाले क्रिस्टल भर भर के जमा करते हैं, ठीक है और मैं थोड़े टाइम के लिए ऑफलाइन जाता हूँ ताकि ये भर भर के क्रिस्टल जो है जो जमा हो सके, देन उसके बाद जो आगे वाले क्रिस्टल है ग्रीन वाले क्रिस्टल्स को हटा के वो वाले क्रिस्टल्स हम लोग यहाँ पे उगाने के लिए डाल देंगे, ठीक है ये हमारा प्लानिंग है, सिंपल सा प्लान है भाई। ओके ये बंद हो गया, मुझे लगाया था भाई इसके अंदर सीड चाहिए होगी। क्या चाहिए इसके अंदर, अच्छा उगा नहीं अभी तक, उगेगा ना थोड़े टाइम में उगेगा, मैं बिल्कुल छः और क्रॉप प्लॉट यहाँ पे लगा देता हूँ, छः क्रॉप प्लॉट और लगाता हूँ, एक दो तीन चार पाँच छः, इसके अंदर हम लोग को डालने के इस भर के पॉटी एज अ फर्टिलाइजर गाइज यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है चलो लेट्स गो, देखते ये वाला प्लान जो है गाइज वर्क करता है कि नहीं, क्योंकि हम लोग को 100 क्रिस्टल तो कम से कम बनाने हैं यार, 100 ने मुझे बहुत सारे क्रिस्टल बनाने पड़ेंगे गाइज। ये एक काम करते हैं, आज के दिन जो है ना गाइज, आज के दिन हम लोग जो है गाइज ये वाले क्रिस्टल बनने देते हैं, क्योंकि हमको ये ना 10,000 तो लगभग भाई ये क्रिस्टल, 10,000 नहीं फिर भी ज़्यादा बोल दे, 10,000 ज़्यादा बोल दे यार मैंने, लगभग भाई मेरे हिसाब से तो 5,000-6,000 जो है तो चाहिए होंगे ये क्रिस्टल्स ग्रीन वाले, ताकि हम लोग अगले टायर वाले क्रिस्टल्स बना सकें, ठीक है मैं शाम में आऊँगा डायरेक्टली, शाम को जो ना गाइस सर्वर में डायरेक्टली आऊँगा, अभी जो ना गाइस इन क्रिस्टल्स को हम लोग बनने देते हैं यहाँ पे उगने देते हैं, और शाम को मैं आऊँगा और जितने भी क्रिस्टल बने हुए होंगे उसके बाद मदद से हम लोग आगे के टायर के क्रिस्टल जो है वो बनाने के लिए यहाँ पे डाल देंगे, और देखते हैं अगर टेमिंग शेमिंग भी कर सकते हैं तो टेमिंग वगैरह भी हम शुरू कर देते हैं भाई साइड में, ठीक है साथ में अपने। चलो ये भाई यहाँ पे पॉटी देते भाई, 21 पॉटी यहाँ पे डाल देंगे, 30,000 चल जाएगी ना ये पॉटी भाई, वैसे शाम तक चलनी चाहिए बस ज़्यादा नहीं चले, शाम तक चले तो भी भाई काम हो जाएगा अपने, शाम तक चल जाए। इसमें कितनी पॉटी डाल रखी है, शाम तक चल तो जाएगी भाई, ठीक है तो अभी इसके अंदर में डाल देता हूँ भाई सीड, ठीक है तो यहाँ पे अभी ग्रीन वाले क्रिस्टल जो है गाइस वो भर भर के उगना शुरू हो जाएंगे, ठीक है ये लो जितने भी सीड्स हैं सारी की सारी डाल देता हूँ, सो ग्रीन वाले क्रिस्टल बहुत ज़्यादा भाई उगना शुरू हो जाएंगे यहाँ पर, और हमारा काम जो है गाइस वो हो जाएगा, ठीक है और ये लॉकती है भाई, लॉकती रहने देंगे, ठीक है चलो। सो क्रिस्टल्स वगैरह जो है गाइस वो आराम से यहाँ पे उग रहे हैं, अभी गाइस मिलते सीधा आपसे अगले एपिसोड में, ग्राइंडिंग अभी बहुत ज़्यादा और बची हुई है, बट टेक क्रॉप प्लॉट तो गाइस मेरे को बनाना ही है, सो उसके लिए गाइस ये सब कुछ करना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं और कोई भाई हमारे पास चॉइस नहीं है। ये वाले क्रिस्टल कितने बन रहे भाई, कहाँ पे चले गए वो वाले क्रिस्टल, ये वाले और कितने बन रहे भाई, और 13 बन रहे भाई, बहुत ज़्यादा क्रिस्टल चाहिए होंगे। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, काम करते हैं आज का ये वाला एपिसोड हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं सीधा आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, जाते जाते इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय गाइस, सी यू लेटर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up.